हाय फ्रेंड्स, नवा ट्रेवलॉग्स आज लेकर आया है आपको न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग की यात्रा पर। आप दार्जिलिंग जा सकते हैं अपनी प्राइवेट टैक्सी से 3,500 रुपये में या शेयरिंग टैक्सी से 400 से 500 रुपये पर हेड में। तो चलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से हम दार्जिलिंग की तरफ। देख सकते हैं दोनों तरफ कितने ब्यूटीफुल टी गार्डन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। रास्ता बहुत मनमोहक है, करीब 73-75 किलोमीटर्स के अराउंड ये रास्ता है जो करीब 3 घंटे लेता है न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक। तो आज हम दार्जिलिंग की यात्रा पर निकले हैं। आप देख सकते हैं हिमालयन टॉय ट्रेन की ट्रैक आपको साइड में जाती हुई दिख रही है। आप टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं, लेकिन टॉय ट्रेन जो टाइम है वो 5 से 6 घंटे लेती है, सुबह निकलती है। तो अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप टॉय ट्रेन ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी से आप जा सकते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक बहुत ही ओल्ड पुराना हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल का, और यहाँ पर आपको टी गार्डन दिखाई देंगे। यहाँ की आपको चाय वैसे भी मशहूर है, आप जानते हैं दार्जिलिंग की चाय, तो यहाँ से चाय ज़रूर लेते जाइएगा। आप देख सकते हैं मैं शाम को अपने होटल दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं सबसे पहले होटल में चेक इन करूँगा, सामान रखूँगा, और फिर अगर आपके पास समय है, आप थके हुए नहीं हैं, तो आप शाम को माल रोड घूम सकते हैं लोकल, नहीं तो आप रात भर आराम करिए डिनर लेके, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलेंगे अपनी यात्रा पर जो कि हमारी लोकल साइट सीइंग होगी दार्जिलिंग की। तो मैं होटल में चेक इन कर गया हूँ और मैं रेस्ट करूँगा आज रात में, और सुबह ही निकलूँगा अपनी लोकल साइट सीइंग घूमने के लिए। सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, इसलिए जल्दी सो जाइएगा, क्योंकि सुबह 3:30 बजे हम निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग टाइगर हिल के लिए, जहाँ पे सनराइज़ होता है। तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा 3:30 बजे। तो हम टाइगर हिल के लिए निकल पड़े हैं और कंचनजंगा व्यू वहाँ से दिखाई देता है। अपना टोकन एक दिन पहले ले लीजिएगा टैक्सी वाले से कह के। और सबसे पहले हम टाइगर हिल पे पहुँचने वाले हैं, 12-13 किलोमीटर डिस्टेंस है और हम पहुँच गए हैं टाइगर हिल पर। यहाँ पर देखिए सनराइज़ होने वाला है, और सनराइज़ बहुत ही प्यारा, ये आपको जो लालिमा रेडनेस दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंचनजंगा व्यू कितना हल्का हल्का आपको दिखाई देने लगा है। इस पर सन रेज पड़ रही हैं और हमारा सन भी ऊपर आने वाला है। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग आप सनराइज़ टाइगर हिल पे करिएगा। यहाँ करीब आपको 5:30 से 6 बज जाएगा, और इसके बाद अगर आप होटल फ्रेश होने के लिए जाना चाहते हैं तो चले जाइएगा, लेकिन अगर आपके पास समय कम हो तो मैं तो कहूँगा आप सुबह तैयार होकर निकलिएगा, और जितना ज़्यादा समय होगा उतनी अच्छी तरह से आप दार्जिलिंग को घूम पाएंगे। तो चलिए हम वापस चलते हैं दार्जिलिंग की तरफ, क्योंकि हम दार्जिलिंग से 12-13 किलोमीटर टाइगर हिल पर हाईएस्ट पॉइंट पर आए थे दार्जिलिंग के। तो हम लोग वापस अपनी टैक्सी पकड़ के चलेंगे इसके बाद घूम मोनेस्ट्री की तरफ, क्योंकि हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन, सेकेंड लोकल साइट सीइंग का पॉइंट है। दोस्तों, जो घूम मोनेस्ट्री है उसका दूसरा नाम येगा कोइलिंग मोनेस्ट्री है। यहाँ पर आपको 15 फीट का मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू आपको मिलेगा अंदर देखने के लिए। तो हम लोग चलते हैं घूम मोनेस्ट्री के अंदर। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोइलिंग मोनेस्ट्री। हम अंदर थोड़ा सा डाउन, आपको कुछ स्टेयर्स कवर करके नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ ये मोनेस्ट्री है। इसी के अंदर आपको 15 फीट का मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू आपको मिलेगा देखने के लिए। बहुत ही शांत प्रिय, बहुत ही शांत प्लेस है ये। देखिए मैं अंदर हो चला गया हूँ, अंदर दोनों तरफ कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, और अंदर सामने ये मैत्रेय बुद्धा का 15 फीट का स्टैचू है। उसके बाद हम आ गए हैं थोड़ी दूर पे बतासिया लूप, यहाँ से अपना एंट्री टिकट लेंगे। और बतासिया लूप मैं बता दूँ, ये एक दार्जिलिंग का पॉइंट है जहाँ से 360 डिग्री पर चारों तरफ दार्जिलिंग आपको दिखाई देता है। बतासिया लूप एक स्पायरल रेलवे क्रिएटेड
किया गया है इसको, जो इसकी ढाल है हिमालयन रेलवे की, उसको कम करने के लिए। और ये पहाड़ी की चोटी पर ट्रैक अपने आप में घूमता है, इसे 1919 में कमीशन किया गया था। बतासिया लूप एक वॉर मेमोरियल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग ने अपने ब्रेव गोरखा सोल्जर्स को कमेमोरेट करने के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ये मेमोरियल 22 मार्च 1995 में सर्टिफाइड किया गया था, और यहाँ के लोकल पीपल्स यहाँ पे कुछ अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन आइटम्स और टी वगैरह यहाँ पे बेचते हैं, और आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए साइड में इन्होंने लगा रखा है, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बतासिया लूप एक बहुत ही रेलवे की, हमारे हिमालयन रेलवे की एक इंजीनियरिंग को प्रस्तुत करता है कि किस तरह 1000 ऑल्टीट्यूड को इस रेलवे ट्रैक के द्वारा इस तरह से बनाकर इन्होंने 1000 फीट को कमेमोरेट किया था, जिसका एक अलग से वीडियो मैं आपको जल्दी बतासिया लूप को अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए वुलन क्लोथ, टी और लोकल शॉपिंग के कुछ आइटम्स आपको यहाँ पे ये लोग बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक ये सेल्फी पॉइंट भी है जिस पे लिखा है आई लव दार्जिलिंग, यहाँ पर आप सेल्फी ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से माउंट कंचनजंगा और अदर स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स भी दिखाई देती है, तो एक बहुत ही रिमार्केबल पीस है। यहाँ से ट्रेन निकलती है चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, उसको भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम निकलेंगे जैपनीज पीस पगोड़ा, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ये पीस पगोड़ा जो कि बिल्ट किया गया था निजीदासु फ्यूजी द्वारा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जापान के, इसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने 3 नवंबर 1972 में निजीदासु फ्यूजी ने रखा था, और इसका डिज़ाइन एम ओका द्वारा करीब 3 साल में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये 4 अवतार बुद्धा के इंक्लूड करते हैं, जिसमें मैत्री बुद्धा हैं। और इस हाइट जो पीस पगोड़ा की है वो करीब 94 फीट है, और इसकी डायमीटर 75 फीट है। और ये पीस पगोड़ा जो है ये सिचुएटेड है जलापार हिल्स दार्जिलिंग के स्लोप्स पर, जो कि कुछ किलोमीटर्स दार्जिलिंग से पड़ता है। तो हम बढ़ते हैं पीस पगोड़ा की तरफ और ऊपर चल के देखते हैं कि किस तरह से आर्टिफैक्ट्स वगैरह इसमें बनाए हुआ है, और कितना प्यारा लगता है पास से देखने पर। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसको आर्टिफैक्ट को बनाया हुआ है, और हम प्यारे बुद्धा का स्टैचू वगैरह भी इसमें आपको मिलता है। फिर इसके बाद हम चलेंगे जूलॉजिकल पार्क। आप रास्ते में देख सकते हैं हिमालयन ट्रैक पे ट्रेन खड़ी हुई हैं, साइड में पूरे दार्जिलिंग में ये ट्रैक बना हुआ है, और सामने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन भी आपको पड़ता है। तो हम पहुंच गए हैं पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, यहीं से हम सीढ़ी से होते ऊपर जाएंगे, वहाँ से टिकट लेंगे। आप टिकट में अगर जूलॉजिकल पार्क के साथ हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट भी देखना चाहते हैं तो दोनों का टिकट यहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों का टिकट यहीं पे मिलता है। दोनों का टिकट लेकर तब आप जूलॉजिकल पार्क और हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दोनों देख सकते हैं। HMI हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट
और अंदर आप जाएंगे तो करीब आपसे 1 से 2 घंटा आपका यहाँ पे आराम से लग जाएगा, अगर आप एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखेंगे। ये मैप बना हुआ है जू का कि कहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। ये एरोज बने हुए हैं कि कौन सा एनिमल, कौन सा आपको पक्षी किधर मिलेगा देखने के लिए। तो आप इसके सहारे आप सारे के सारे एनिमल्स वगैरह को देख सकते हैं जू के अंदर। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर वगैरह भी देखने को मिलता है। ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ये 1958 में इस बनाया गया था और इसकी एवरेज जो हाइट है, एलिवेशन है, वो करीब 7,000 फीट है और ये लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड जू है इंडिया का। और उसके बाद ये सामने आपको हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हम देखेंगे इसके अंदर चलकर। ये हिमालयन जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1954 में भारत में माउंटेनियरिंग को क्रीड़ा के रूप में या गेम के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह तेनसिंग नॉर्के और एडमंड हिलेरी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के उत्साह का परिणाम भी था कि इसको बढ़ावा दिया गया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से इसे दार्जिलिंग क्षेत्र में लगभग 7,000 फीट की ऊँचाई पर बनाया गया था, जिसके तेनजिंग नॉर्के इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कैसा दिखाई देता है। ये सामने म्यूज़ियम का गेट है, आप म्यूज़ियम भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय कम था, मेरे पास टिकट होते हुए मैंने म्यूज़ियम में नहीं गया था और मैं बाहर से देखता हुआ इसको चला आया था। ये सामने एडमंड हिलेरी, उनका स्टैचू बना हुआ है जो कि माउंटेनियरिंग को बढ़ावा देने के उत्साह के लिए इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। उसके बाद हम वापस लौटते हुए बंगाल टाइगर रास्ते में आपको जूलॉजिकल गार्डन में पड़ता है और हम इसको देखते हुए वापस नीचे आ जाते हैं। फिर चलते हैं, यहाँ से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर रॉक गार्डन है जो कि 40 मिनट का रास्ता है। रास्ता थोड़ा ख़राब है इसलिए 9 किलोमीटर में आपको 40 मिनट का समय लगता है। यहाँ पे आएंगे तो आपको ये वाटरफॉल्स और ये गार्डन बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ये रॉक गार्डन एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी है दार्जिलिंग का, आप इसको भी देख सकते हैं, समय ज़रूर निकालिएगा इसके लिए। देखिए सामने वाटरफॉल हो रहा है, किस तरह पार्क के किनारे किनारे रेलिंग लगाकर इसको स्थापित किया गया है, बहुत ही सुंदर पार्क है ये, तो इसको भी ज़रूर अपने इटनरी में शामिल करिएगा या फिर अपने टैक्सी वाले को इसको दिखाने के लिए ज़रूर बोलिएगा। इसके बाद वापसी में हम लोग टी गार्डन्स देखेंगे जो कि आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। आप अपने टैक्सी वाले से बोलिएगा कि हमको टी गार्डन्स देखना है, तो आपको रास्ते में टी गार्डन्स पड़ते हैं उनको दिखाता हुआ आपको वापस दार्जिलिंग की तरफ लाएगा। तो आप देख सकते हैं ये टी गार्डन्स हैं, इसी टी गार्डन्स में आपको शॉप्स भी मिलेंगे, यहाँ से आप चाय भी खरीद सकते हैं जो कि वैरायटी ऑफ चाय यहाँ मिलती हैं। और अगर आपको कुछ महंगी देते हैं तो आप इसकी जो परचेजिंग है वो आप बता से लुपे में बता ही चुका हूँ, वहाँ पे आपको बहुत सस्ती चाय मिलती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और शाम को वापसी में आपका टैक्सी वाला आपको माल रोड पर ड्रॉप कर देगा, यहाँ पर आप अपनी शाम माल रोड पर गुजार सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना कुछ टी वगैरह कॉफ़ी वगैरह यहाँ ले सकते हैं, बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से शाम को अगर चाहते हैं तो आप यहाँ के स्ट्रीट फूड्स वगैरह जो शाम को मिलते हैं किनारे किनारे मॉल रोड के, वहाँ से आप खरीद के खा सकते हैं और अपना डिनर वगैरह यहीं करके अपने होटल में जाके आराम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं, कई सारी शॉप्स भी हैं एंटिक्स की, आर्ट्स की, तिब्बतन आर्ट्स की। और ये स्ट्रीट फूड्स यहाँ पर लोग देखिए नॉन वेज वेज सब खा रहे हैं और यहाँ पे देखिए वो सब मिलता है। तो जो इसके
पसंद करते हैं, जो उसका खाना चाहते हैं वो यहाँ से स्ट्रीट फूड खा सकते हैं अपने डिनर के रूप में या स्टार्टर्स के रूप में। देखिए, इसको देख के मुँह में आपके पानी आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे चिकन फ्राई वगैरह, चिकन लॉलीपॉप, चिकन टिक्का वगैरह लिया था और वापस जाके अपने होटल में जाके आराम किया था। दोस्तों, मेरे व्लॉग्स में आपको अगर कैलिमपोंग देखना है तो आप अगले दिन कैलिमपोंग जा सकते हैं, और अगर सिक्किम जाना चाहते हैं अगले दिन तो मेरा एक व्लॉग आप पड़ा हुआ जो डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप वापस अपना न्यू जलपाईगुड़ी से अपनी ट्रेन पकड़ कर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग के कई सारे व्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक और बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नवाब ट्रैवल व्लॉग्स।